अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो उनसे उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात, देख लो श्रीनगर। अभी जो लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना। इसराइल ने पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया, भारत के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। भारत ऐसे मुश्किल के समय पर इसराइल के साथ खड़ा है। और इस्राइल की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो हैं जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया। हमास ने इस वक्त इसराइल पे हमला कर दिया। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसराइल ने भी फलस्तीन पे और इंडिया जो है वो उनका हमायती बन गया। इसराइल और इंडिया की दोस्ती है ना, दोस्ती वो अपनी दोस्ती नहीं बात। जय हिंद दोस्तों, जब से हमास ने इसराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, तभी से इन दोनों देशों के बीच बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों इसी बीच दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी है। दोस्तों एक तरफ जहां ईरान, पाकिस्तान समेत दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश हमास को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दुनिया के तमाम अधिकांश ताकतवर देश जैसे इंडिया, अमेरिका, यानी दुनिया का अधिकांश तमाम देश इसराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया तो इतना हद तक इसराइल को सपोर्ट कर दिया है कि अपना ब्रह्मोस मिसाइल को भी देने के लिए तैयार हो गया है। तथा इसी को लेकर के दोस्तों इसराइली सरकार ने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद तथा बहुत बहुत बधाइयां भी दे रहे हैं। दोस्तों मैंने बहुत पहले बताया कि दुनिया का तमाम मुस्लिम कंट्री हमास को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भिखमंगा नांगा पाकिस्तान भी हमास को फुल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जब ये देखा कि भारत अब इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है, अपना ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कर रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में दहशत मच गई और पूरे पाकिस्तानी इस बात को लेकर के अपने देश में एक अलग तरह से हल्ला मचा दिए हैं। तो आइए इन पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होने वाला है, तब आपसे इस वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? गाजा बनने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत है? सबसे पहले तो जो आपके सवाल का था कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान वही करेगा जो उनके फाइनेंसर जो हैं वो करेंगे, वो करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर जो उनको पैसे देते हैं आपको चलाने के लिए, वो जो कहेंगे आप उनके पीछे चलेंगे, आपका आपके पास कौन सा चॉइस है। उसमें ये एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, उसको उसकी लीडरशिप और टर्की की पहले ही आपस में टसल चल रही थी। ये ओरिजिनली अगर देखा जाए जो नजर आ रहा है वो मुसलमानों के इंटरनल प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। अब फलस्तीन को एक मिसाल मैं देता हूँ छोटी सी, कि दो हिस्से हैं उनके, गाजा है और वेस्ट बैंक है, दोनों के ऊपर अलग अलग हुकूमतें हैं, एक तरफ पीएलओ है, एक तरफ हमास है। अब देखा जाए तो वो भी ऑन बोर्ड नहीं है। यहां तक मैं एक और चीज भी यहां मेंशन करना चाहूंगा, पनामा लीक के अंदर जब नामों की लिस्ट आई थी तो उसमें कई हमास के लीडर थे, उनके नाम आए थे, उनके बच्चों के नाम आए थे। और यहाँ पे एक ये भी बात बड़ी खुल के की जाती है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि ये यूनाइटेड नेशंस से पैसे लेके करप्शन करते हैं। और दूसरा जो ज्यादातर जमीनें जो इसराइल से ये अब रिक्लेम कर रहे हैं, दे हैव सोल्ड इट इन द पास्ट टू इजराइलीज। मेरा मतलब अगर ये देखा जाए तो दूध के धुले इस साइड पे भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमान दुनिया को है वो करप्शन का है, लीडरशिप का फुकदान है, और दे आर नॉट यूनाइटेड। और ये बिल्कुल मैं हर बात पे दे आर डिवाइडेड। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो उनसे उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात, देख लो श्रीनगर। अभी जो लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना।
अभी पाकिस्तान की फोर्स यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मार रही है, वहाँ पे जुलम कर रही है। तुम्हें क्या कहता है एमयूएसटी 75 साल तो बैर पे हो जी, बताएं कि इसराइल क्या कहता है हमें, बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें इसराइल, एमी तो ही ना वो मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या क्या कर रहा है इसराइल, फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर रहे वो अपना भी नहीं कर रहा, बस ये दो भी नहीं राम कर दे, असली तस्लीम कर बैठे हैं, तुम ना करो। आपने तस्लीम, आपने इसराइल को तस्लीम कर ली है, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए, तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है, तुम हम ही बैर पे हो। अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हमास के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहां पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पर कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। Exactly. और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रांग है। हाँ. तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रांग करें, जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पर, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखें इमरान खान साहब का, उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किए, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें, ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फलस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है, मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हो। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं बैठते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलों को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने क्या कहा, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब सऊदी जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा, 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है जो अमेरिका है इस वक्त वो भी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने भी, सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इसराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इसराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इसराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इसराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ, और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो है वो इसराइल के अंदर है, जिनमें तीन किस्म के लोग हैं, एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायली टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए,
और तीसरे लोग जो है डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी बात। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कैसे पाकिस्तानी सब बौखलाए हुए हैं कि अब इसराइल को फुल सपोर्ट भारत करते हुए अपना ब्रह्मोस मिसाइल उसे दे देगा। दोस्तों भारत ऐसा करेगा क्यों नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल तो क्या, बहुत सारे प्रकार का परमाणु बम इसराइल को, यानी इसराइल को फुल सपोर्ट भारत दे रहा है, क्योंकि भारत का जिगरी दोस्त इसराइल है, इसीलिए फुल सपोर्ट भारत करा इसराइल को। दोस्तों इसी बीच एक और वीडियो क्लिप सामने निकल कर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो इसराइली महिला है जिनको ये फिलिस्तीनियों ने जान से मार करके उनका सारा कपड़ा उतार करके रोड पर उनके बाल को पकड़ कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। बट दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक इजरायली महिला नहीं है बल्कि वो एक जर्मन महिला है। वो इजरायल में आई हुई थी क्योंकि वो कलाकार है, वो एक आर्टिस्ट है जिसके वजह से वो इजरायल में कुछ अपने आर्टिस्ट को दिखाना आई हुई थी, उसे बुलाया गया था और उन्हीं महिला को पकड़ करके ये फिलिस्तीनियों ने ऐसा कुछ कांड किए हैं। अब दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आतंकवादी लोग कैसे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर अफगानिस्तान के हो या फिर ये फिलिस्तीन का है। आप देख सकते हैं कि एक औरत के साथ इतना गंदा सलूक ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों इसराइल पर इतने बड़े परमाणु हमले को देख और इस महिला के साथ इतना गंदा करतूत को देख पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश यह हमास को बहुत काफी शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत इस पर खुश हो रहे हैं सब। इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा सच में ये कहा गया है कि यदि गिदड़ की मौत आता है तो वो शहर की तरह भागता है और ये बात हमास के ऊपर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि दोस्तों जब इसराइल यदि अपने असलियत पर आ जाएगा तो इस हमास को भागने की जगह भी नहीं मिलेगा कि अब ये कहां भागे और इनको बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा।